अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई कुमराज द्वारा शासकीय महाविद्यालय पेचारी को मूलभूत सुविधाओं को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में परिषद ने मांग की है कि अगले सत्र से कुमराज महाविद्यालय में बीएससी और बीकॉम जैसी महत्वपूर्ण डिग्रियों को शामिल किया जाए। श्री प्राचार्य महोदय, शासकीय महाविद्यालय कुमराज, जिला गुना, मध्य प्रदेश। विषय शासकीय महाविद्यालय कुमराज में नए सत्र से बीएससी बीकॉम डिग्री को सम्मिलित किया जाए एवं स्पोर्ट के बीच सुचारू रूप से नियमित संचालन करवाने बाबत। महोदय, उपरोक्त विषय अंतर्गत विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आपसे मांग करता है कि नंबर एक पॉइंट, शासकीय महाविद्यालय कुमराज में नए सत्र से बीएससी और बीकॉम जैसी महत्वपूर्ण डिग्रियों को सम्मिलित किया जाए। इसके सम्मिलित होने से स्थानीय छात्रों को कुमराज से बाहर जाना नहीं पड़ेगा। पॉइंट नंबर दो, शासकीय महाविद्यालय कुमराज में स्पोर्ट बैच क्लासेस नियमित रूप से संचालित की जाए, जिससे कि छात्रों का खेलों की ओर ध्यान आकर्षण हो सके। पॉइंट नंबर थ्री, महाविद्यालय कुमराज में पानी पीने के पानी की व्यवस्था ठीक ढंग से की जाए। कृपया उपरोक्त अनुसार महाविद्यालय प्राचार्य जी से निवेदन है कि मूलभूत सुविधाओं को जल्द से जल्द कॉलेज में संचालित करवाने की कृपा करें। निवेदक दीपक तिवारी, विकासखंड संयोजक, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कुमराज। विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद, जिंदाबाद। विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद, जिंदाबाद। प्राप्ति जिससे कि कुमराज क्षेत्र के समस्त छात्राओं को कुमराज से बाहर जाना नहीं पड़ेगा। इस अवसर पर विकास खंड संयोजक दीपक सिवहरे ने बताया कि कुमराज कॉलेज में नियमित रूप से स्पोर्ट क्लासेस नहीं लगती, उनको भी सुचारू रूप से चालू किया जाए और कॉलेज कैंपस के अंदर पीने की पानी की व्यवस्था ठीक ढंग से की जाए। इस अवसर पर नगर संयोजक देवेंद्र मीणा, अंकित सिवहरे, गौरव साहू, विष्णु सेरिया, मोनू मीना, कृष्णा मैथिल, शिवम सिवहरे एवं परिषद के समस्त कार्यकर्ता मौजूद रहे। कुमराज से राम है बरोलिया की रिपोर्ट।